फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021-22, सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 11 का पेपर। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो बायोलॉजी का पेपर है वो 34 मार्क्स का रहेगा आपकी बार, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है आपके सेक्शन है, उसके अंदर आपको क्या क्या पूछ रखा है और जो ये क्वेश्चन के आंसर है आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये एक स्टूडेंट का पेपर है तो हो सकता है कि ये गलत हो और सही भी हो सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। सबसे पहला है आलू के भूमिगत रूपांतरण को क्या कहते हैं, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन करेक्ट हो आपको उस पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वर्गीकरण का पिता किसे माना जाता है, आपको ये लिखना है, आपके पास चार ऑप्शंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर तीन है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, इसके भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे और इनके आंसर आपको लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर चार है निम्नलिखित में से कौन सी प्रावस्था के दौरान डीएनए का संश्लेषण एवं प्रकृतिकरण होता है, इसके लिए भी आपको चार ऑप्शंस प्रोवाइड करा रखे हैं, आप उसके आंसर देख सकते हो। तो इस तरीके से जो आपका सेक्शन ए है उसके अंदर आपको चार क्वेश्चन पूछे गए हैं और चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और वो एक एक नंबर के हैं। फिर आता है आपका सेक्शन बी, उसके अंदर आपको रिक्त स्थान पूछ रखे हैं। पांचवा है C3 चक्र में CO2 स्थिरीकरण का प्राथमिक उत्पाद डैश 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 है, तो इसका आंसर आपको लिखना है। छठा है कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक डैश 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 होता है, आपको बताना है। सातवा है प्राणी जगत का सबसे बड़ा सिंह डैश 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 है। तो ये था आपका सेक्शन बी और उसके अंदर आपके जो रिक्त स्थान दे रखे थे। फिर आता है आपका सेक्शन सी यानी कि खंड स, तो इसके अंदर आपको सत्य या असत्य लिखना है। आठवां क्वेश्चन है हरित लवक में राइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, आपको लिखना है कि ये सत्य है या फिर असत्य है। फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सीथी पादपों में प्रकाश श्वसन पाया जाता है। दसवा है एस्केल्मिथियज में कुट प्रगुआ पाई जाती है, तो ये इसके आंसर आपको सत्य या असत्य के अंदर देने हैं। फिर आता है आपका खंड द सेक्शन डी, उसके अंदर आपको अति लघुतात्मक प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रखे हैं और वो चार क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन है वो आपके एक एक नंबर के हैं। तो 11वां क्वेश्चन है मोर का वैज्ञानिक नाम, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक। 12वां क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किया जाता है। 13 है वायराइड की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 ज्वाला कोशिका का क्या कार्य है, तो इनके आंसर आपको वेरी शॉर्ट मतलब बहुत ही कम शब्दों के अंदर देने हैं। फिर आता है आपके सेक्शन ई, तो इसके अंदर आपको लघुतात्मक प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रखे हैं। सबसे पहला है पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। 16वां है कि अरीय व संयुक्त संवहन बंडल में क्या अंतर है। 17वां है कोशिका सिद्धांत को समझाइए। 18वां है लाइकेन पर टिप्पणी लिखिए। 19वां है पादपों में द्वीपीयक विधि को समझाइए। ये आपको पांच क्वेश्चन दो दो नंबर के पूछ रखे हैं। फिर आता है आपके खंड र यानी कि सेक्शन एफ, तो इसके अंदर आपको निबंधात्मक प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रखे हैं। 20वां क्वेश्चन है केंद्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तीन नंबर का। फिर 21वां ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को रेखिक चित्र द्वारा समझाइए, यह आपको चार नंबर का पूछ रखा है। और इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर सकते हो। कैप चक्र को परिभाषित कीजिए, कैप चक्र का रेखिक चित्र बनाकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है केल्विन चक्र को चित्र सहित समझाइए। और मानव पाचन तंत्र की केवल नामांकित चित्र बनाइए और उसकी छोटी आंत में पाचन क्रिया को समझाइए। तो इस तरीके से आपको है जो हाफ ईयरली के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप आपको लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।